नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे मिक्स्ड पंच विद सुपर्णा। पहले बता दूं, भाई लोग, बहन लोग, जो भी हो, फ्रेंड, दोस्त, सभी लोग प्लीज मेरे बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। मेरे रूम पे थोड़ा काम चल रहा है, आप लोग कुछ ही दिन में न्यू बैकग्राउंड देख पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा हॉच पॉच है एंड बैकग्राउंड पे भी बहुत दिख रहा है। लेकिन न्यूज तो देना मेरा काम है, साथ ही साथ रिव्यूज देना। तो अगर ऐसा कुछ गॉसिप मुझे मिल गया है, जब तक मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूं मुझे अच्छा नहीं लगता। बाय गॉड बोल रही हूँ, जिसके कारण आना ही पड़ता है वीडियो पे आप लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, आप लोगों के साथ बात करने के लिए। तो जैसे कि थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि इस बार मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। देखिए, रिसेंटली मैंने एक वीडियो दिया था ऑलरेडी मनीषा रानी के ऊपर, बहुत लोग अभी भी टारगेट करके रखे हुए हैं, जैसे कुछ लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, जिसके बारे में मैंने कहा था। लेकिन फिर से मेरी बात के ऊपर बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी हुआ, लेकिन उस बात के ऊपर ही फिर से सही करते हुए उनमें से एक दो जन फिर से अपना रिएक्शन दिया है, जो रिएक्शन आई थिंक किसी को अच्छा नहीं लगा और आप लोगों को भी नहीं लगेगा। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज पूरा वीडियो को देखिएगा, जानिएगा क्या हुआ है, उसके बाद ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा। एंड इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी, कुछ लोग पूरा वीडियो नहीं देखते और पहले कमेंट पे आ जाते कुछ भी बोलने। भाई नेगेटिविटी इतना ज्यादा स्प्रेड मत करो, क्योंकि देखो हो सकता है कि मेरे साथ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैच ना करे, जो कि नॉर्मल सी बात है। अगर मैं एक चीज में यस बोलूंगी, ऐसा नहीं ना पूरा दुनिया उसमें यस बोले, तो मना कर सकते हैं। तो आप वो चीज कमेंट पे एक करो, अच्छा हेल्दी वे में लिख सकते हो। अगर उसकी जगह आप कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करोगे वो तो अच्छा नहीं लगता। एंड ट्रस्ट मी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे, मेरे ऊपर कुछ नहीं होता। इससे आपका गलत दिखता है कि आप ऐसे कमेंट पे कुछ भी लिख रहे हो या अब्यूज कर रहे हो दूसरी एक लड़की को, जो कि आपने पूरा वीडियो देखा भी नहीं है। पूरा वीडियो ना देख कर ही कुछ लोग आधा है जो वीडियो देख कर ही बोलने लग जाते, तो वो चीज मत करो। पहले जानो मैटर क्या है, क्या बोल रहे हैं, उसके बाद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगेन वो लिमिटेशन को मेंटेन करके। इतना रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से, जो भी नेगेटिव कमेंट करना है, जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो ना, कोई बात नहीं, हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तभी तो मजा आएगा, नहीं तो क्यों मजा आएगा। और वीडियो मैं बनाती हूँ आप ही लोगों के लिए और किसी के लिए तो नहीं। तो डेफिनेटली पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो, बट इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज मत कीजिए, क्योंकि वो आई डोंट थिंक अच्छा लगता है, दूसरे किसी, कोई किसी को भी अच्छा लगेगा, है ना। तो आते हैं पॉइंट पे, क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहले बता दूं, मनीषा रानी झलक दिखलाजा जो है ऑलरेडी विनर बन चुकी है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप मनीषा रानी, आप लोग फैन हो, आप पसंद करते हो बहुत ज्यादा, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मनीषा रानी जो है झलक दिखलाजा का ट्रॉफी जो है जीत लिया। तो डेफिनेटली शोएब भी था, शोएब भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, नो डाउट बहुत लोग थे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन सबको बीट करते हुए, क्योंकि मनीषा रानी का फैन बेस भी बहुत अच्छा था। और आप लोगों को पता है लेटेस्ट जो झलक दिखलाजा का ट्रेंड चल रहा था, उससे क्वाइट विजिबल था कि मनीषा रानी ही जीतने वाली है। तो वही चीज हुआ, मनीषा रानी को मिल गया है ट्रॉफी। लेकिन ट्रॉफी मिलने के पहले OTT फेम बेबिका, मतलब मैं जब OTT देखती थी, मैंने सोचा कि उसका नाम है देबिका, उसके बाद मुझे पता लगा कि उसका एक्चुअल नाम है बेबिका, बेबिका धूपे। तो जो एस्ट्रोलॉजर की बेटी थी, बेसिकली एस्ट्रोलॉजर अंकल जो थे वो तो बहुत बार बिग बॉस पे आई है, तो उनका ही बेटी थी बेबिका। बेबिका को जो लोग नहीं जानते हैं, आई थिंक OTT2 अगर देखे है तो सबको ही पता होगा बेबिका है कौन। तो बेबिका ऐसे ही कुछ एक जब विनिंग का ये अनाउंसमेंट हुआ, उससे पहले ऐसा कुछ कमेंट किया है, ऐसा कुछ चीजें किया है जो कि बहुत ही खराब दिख रहा है। एंड जो भी हो, आपको मैं सेलिब्रिटी कंसिडर नहीं करती, मैं ओपन फोरम पे बोल रही हूँ ये चीज, क्योंकि मैं उनको जानती तक नहीं थी। एंड OTT2 पे जितना भी उनको देखा है, बहुत ही नेगेटिव, एक अलग ही पर्सनैलिटी देखी थी, जिसके साथ मैं तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाई। अगर आप में से कोई है बेबिका का फैन, जरूर कमेंट करके बताना। तो कुछ चीज मैं बताऊंगी, डेफिनेटली मनीषा रानी का मैं फैन खुद को कंसिडर नहीं करती हूँ, किसी का भी। किसी को पसंद हम कर सकते हैं, फैन मतलब मैं बोल सकती हूँ मैं शाहरुख खान का फैन हूँ, तो वो होता है फैन। मैं मनीषा रानी को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उनका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा था, जिसके साथ मैं कनेक्ट कर पाई थी, जिसके वजह से आई यूज्ड टू लाइक हर, एंड अभी भी मैं उसको लाइक करती हूँ बहुत ज्यादा।
तो एक्चुअली हुआ क्या है, बेबी का रिएक्शन से मैं डेफिनेटली मुझे अच्छा नहीं लगा, साथ ही साथ जिनको भी पता लगा जो भी थे उस लाइव वीडियो पे जिसमें वो रिएक्शन निकला बेबी का, सभी लोग ना पब्लिक तो एकदम भड़क गया है बाय गॉड, और सभी लोग बोल रहे कि बेबी का ये क्या कर रहे हैं और इतना नेगेटिव क्यों हो सकता है। 2023 पे OTT2 हुआ था, अभी 2024 आ गया है और OTT3 आने का प्रिपरेशन है, अप्रोच किया जा रहा है और ये लोग अभी भी अपना भड़ास से निकाले जा रहे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है, देखिए OTT2 अगर आप लोग देखे हैं तो आपको पता होगा मनीषा रानी और बेबी का स्टार्टिंग में बहुत अच्छा फ्रेंडशिप था, क्यों है ना, अच्छा फ्रेंडशिप था, बात करते थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन अभिषेक मल्हान जो था वो बेसिकली एक बजा बन गया, क्योंकि अभिषेक मल्हान के साथ मनीषा रानी स्ट्रांग होने लगा, बॉन्डिंग क्रिएट हो गया, उन लोगों का अच्छा फ्रेंडशिप बन गया और बेबी का यहाँ पर आउटसाइडर हो गया, जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी स्टार्ट हुआ, ये झगड़ा झमेला जो है स्टार्ट हुआ था। तो पहले बॉन्डिंग था, उसके बाद झगड़ा हुआ, जो कि हर एक सीजन पे होता है बिग बॉस का। जैसे राहुल वैद्य आप लोगों को पता है, रुबीना दिलेक, दोनों का भी बहुत झगड़ा था राइट, जब उनका बेबी हुआ आप लोग देखे होंगे, रुबीना दिलेक ने पोस्ट किया था अपने बेबी का, सॉरी राहुल ने किया था पोस्ट एंड उसमें रुबीना ने कमेंट किया था, बहुत प्यारा सा कमेंट किया था कि सच एडोरेबल डॉटर समथिंग और गर्ल, एंड उसके बाद राहुल ने भी उसमें किया कि आपके बच्चे के साथ मेरे बच्चे एक साथ खेलेंगे ऐसा करके। तो वो जो नेगेटिविटी होता है ना, वो बिग बॉस का झगड़ा वहीं तक है, हो गया, अगर आप पसंद नहीं करते उसके बाद आप देखोगे मिलोगे बात भी नहीं करोगे, जैसे अभी रश्मि और शहनाज का होता है कि आमने सामने कभी हो भी गया तो बात नहीं करते, शहनाज अभी आगे निकल चुकी है बहुत ज्यादा, तो सेम भाई हो चुका है उनका, इतना क्यों नेगेटिविटी। तो बेबी का दूर भी जो है बेसिकली लाइफ पे आई थी, तो लाइफ पे आकर उसके साथ और भी एक जन थे एंड बेबी का जो है कम्युनिकेट कर रहे थे, सबसे बात कर रहे थे, उसमें से एक फॉलोअर जो है बेबी का उनने इस लाइव में कमेंट किया था, आई डोंट नो बेबी का को कौन फॉलो करते हैं, आई एम सॉरी बाय गॉड, बट जो भी हो, तो बेबी का के लाइव पे कमेंट किया कि विनिंग सॉरी वोट फॉर मनीषा रानी और विनर मनीषा रानी करके कमेंट किया उस ऑडियंस ने, उस फॉलोअर ने। तो उसमें बेबी का के पास में खड़ा हुआ जो लड़की थी उन्होंने पूछा कि मनीषा रानी कौन है, तो सबसे पहले तो एक टिप्पणी हो गया कि मनीषा रानी कौन है, बेबिका के साथ बेबिका को जो फेम मिला है वो बिग बॉस की वजह से मिला है राइट, और बिग बॉस पे मनीषा के साथ झगड़ा उसका हाईलाइट था। तो आप उसके साथ ही हो, आपके बहन है, फ्रेंड है, जो भी हो, मनीषा को नहीं जानते, ये तो हो नहीं सकता। तो एक टिप्पणी किया गया लाइफ पे कि मनीषा रानी है कौन, उसमें जो है बेबिका रिस्पॉन्स किया उसका जो यू नो वो आंख ऐसा करके बोलते इग्नोर, सो वो वैसे ही रिएक्ट किया फिर से प्लीज इग्नोर, तो ऐसे करके वो मनीषा रानी को इग्नोर कर दे। तो उसके साथ जो करते वो जानते ही नहीं है मनीषा रानी है कौन, मतलब क्या ही बोलू, और ऊपर से बेबी का कमेंट करे इग्नोर, मतलब कैसे इतना हेट, इतना नफरत, इतना नेगेटिविटी क्यों, मुझे सच में समझ नहीं आता। डे बाय डे एक बात मैं बोलना चाहूंगी, आई डोंट वॉन्ट कि मैं वीडियो को स्ट्रेच करूं, लेकिन कोई भी कुछ भी पोस्ट होता है, कोई भी कुछ करता है, आप ओपिनियन शेयर करो, बट इतना ज्यादा आजकल नेगेटिविटी बढ़ चुका है ना, कुछ भी देख ले। एक वायरल बंदा है इंस्टाग्राम में, आप लोगों को पता होगा, रील बनाया था अपनी शादी का, उसमें बहुत लोग बहुत कुछ अजीब ही कमेंट कर रहे थे, मतलब क्यों भाई, वो खुश है अपने दुनिया में तो करने दो, तुम भी मजे लो, हंसो, कोई बात नहीं, तुम्हें अगर करना है करो। तो इतना नेगेटिविटी मुझे नहीं लगता कि फैलाना चाहिए कि वो आपके लिए बैकफायर करे, क्योंकि आजकल मैं देखूं ना नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा, मतलब हर बात पे लोगों को टिप्पणी करना, झगड़ा करने आना, एकदम गुस्से में चढ़ जाना एक दूसरे के ऊपर, क्यों। अगर तुम्हें पसंद नहीं है, सपोज आप में से कोई देख रहे हो जो कि बेबी का फॉलोअर्स हो तो आप बेबी का को पसंद करते हो, आप मुझे बोल सकते हो कि नहीं बेबी का ने ऐसा नहीं कहा था, आपने गलत देखा होगा, सो इट्स अ सेपरेट थिंग। अगर वही आप बोलोगे कि यू नो आप एक डैश 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 हो, आप कुछ भी बोल रही है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तो मुझे नहीं लगता, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई एम नॉट लाइक दैट, और आप मुझे नहीं बोल रहे हो एक्चुअली, अगर आप बोलोगे तो आप खुद को बोलोगे। सेम वे में कोई भी नेगेटिविटी फैलाने से पहले ना सोच लीजिए, क्योंकि वो चीज गलत होता है ना।
अभी के लिए इतना ही। आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आपका क्या ओपिनियन है बेबिका का ये जो बर्ताव है मनीषा रानी के ऊपर अभी तक जो चल रहा है, ये जेलेसी गेम? डेफिनेटली जेलेसी है, मैं क्लियरली बोल रही हूँ ओपन फोरम में, बिकॉज इतना दिन हो चुका है बेबिका तो डेफिनेटली उतना पॉपुलर नहीं हो पाई, और मनीषा रानी डे बाई डे डे बाई डे डे बाई डे ग्रो कर रही है, जो कि बिहार की छोटी सी गाँव की थी और इतना ज्यादा शाइन कर रही है, तो डेफिनेटली जेलेसी है एंड हम देख सकते हैं। आपको क्या कहना है इसमें जरूर कमेंट करके बताना, एंड प्लीज 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 रिक्वेस्ट करूंगी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, बहुत मेहनत लगता है ट्रस्ट मी, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।